आम चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पिछले बार की तरह इस बार भी यूपी में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल से शुरू मतदान की प्रक्रिया 4 जून को नतीजों के साथ खत्म हो जाएगी। वहीं इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अयोध्या में सबसे बड़े और भव्य राम मंदिर का निर्माण जो कराया है, इस लिहाज से देखें तो इस बार का चुनाव अयोध्या के लिए खास माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि राम मंदिर के निर्माण से उसकी जीत की राह आसान हो गई है। बीजेपी ने रामनगरी से अपना उम्मीदवार लल्लू सिंह को बनाया है। वहीं इंडिया अलायंस ने यहां से अवधेश प्रसाद को उतारा है। बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार टिकट दिया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में सपा प्रत्याशी को मात दी थी। अगर इस बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो लल्लू हैट्रिक लगा सकते हैं। बीजेपी 2024 का चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ना चाहती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को कई राज्यों में इसका फायदा मिलने के आसार हैं। बीजेपी ने अपनी पिछली बार चुनावी घोषणा में राम मंदिर का जिक्र भी किया था, इसलिए बीजेपी इस बार के चुनाव में इस बात को जरूर लाएगी। अब देख लेते हैं अयोध्या का सियासी इतिहास। 1963 में पहली बार राज्य को महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी मिली थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर फैजाबाद संसदीय सीट से 1971 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां से हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या अयोध्या में इस बार भी कमल खिलेगा और राम राज्य का दावा करने वाली बीजेपी राम मंदिर के जरिए अयोध्या की जनता को आकर्षित कर पाएगी या नहीं। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि राम मंदिर का अयोध्या लोकसभा सीट पर कितना प्रभाव पड़ता है।